चलो देखो स्टार्ट कर रहे हैं। आज बात करते हैं अपन लोग टोटोमेरिज्म के बारे में, है ना। जहाँ पे सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कि टोटोमर्स क्या होते हैं, तो टोटोमेरिज्म में देखते हैं टोटोमर्स टोटोमर्स क्या होते हैं बच्चों, है ना। तो देखो हम लोग पिछले लेक्चर में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़ रहे थे, है ना। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को और क्या बोलते हैं, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। उसमें हम लोगों ने चार आइसोमर्स पढ़ लिए थे। सबसे पहला बोलो चेन आइसोमर, दूसरा पोजीशन आइसोमर, थर्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, फोर्थ मेटामर्स, एंड द फिफ्थ वन इज टॉटोमर्स। तो हम लोग टॉटोमर्स को थोड़ा सेपरेटली पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है आगे जाकर के जब हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शंस करेंगे तो वहां पे भी एल्काइन वाले पार्ट में ये आएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, है ना। तो देखो क्या होते हैं टॉटोमर्स। टॉटोमर्स कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। ड्यू टू, देखो टॉटोमर्स क्या है, वो कंपाउंड्स है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन विथ अदर एटम्स, है ना, ठीक है। तो ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन बिटवीन एटम्स। तो एक्टिव या एसिडिक हाइड्रोजन याद रखना, आपको मैंने पहले ही पढ़ाया है कि एक्टिव और एसिडिक हाइड्रोजन कौन होते हैं, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड के रिस्पेक्ट में। तो मैं आपको ये भी बताता हूँ, नॉर्मली एसिडिक हाइड्रोजन कौन से हाइड्रोजन थे जो फोन से जुड़े हुए हैं और ट्रिपल बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो या तो जो फोन से जुड़े हुए हैं, या क्लोरीन से जुड़े हुए हैं, या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो एसिडिक या एक्टिव हाइड्रोजन है। ये बात तो आप लोगों को क्लियर है। नाउ अब अगर बात करें कार्बोनिल ग्रुप में, तो कार्बोनिल ग्रुप में जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, मैंने बोला सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री, ये एग्जाम्पल लिया, ये कीटोन है, मैं इसको बोल रहा हूं कीटो फॉर्म। कौन सी फॉर्म, कीटो फॉर्म। अब होगा क्या उसको देखो, यहां पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं सी एच टू और एच। देखो सी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन यानी ये वाला कार्बन, इस कार्बन से जो डायरेक्टली जुड़े होते हैं ना वो होते हैं बेटा आपके अल्फा कार्बन, वो होते हैं आपके अल्फा कार्बन, पता चल रहा है। और अल्फा कार्बन ही क्या होते हैं आपके, अल्फा कार्बन ही क्या होंगे आपके, एसिडिक कार्बन। दैट मींस अल्फा हाइड्रोजन से जो हाइड्रोजन जुड़े हुए वो कैसे होंगे, एसिडिक हाइड्रोजन। तो हम लिख सकते हैं अल्फा कार्बन से कौन जुड़ा होगा, एसिडिक या एक्टिव हाइड्रोजन। दैट मीन्स ये हाइड्रोजन रिमूव हो सकते हैं। तो आज के बाद याद रखना, अगर आपके पास कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप का मतलब या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। दैट मींस सी डबल बॉन्ड ओ के साथ या तो एक एल्काइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन होगा, या एक एल्काइल ग्रुप या दोनों हाइड्रोजन होंगे। एल्डिहाइड में, कीटोन में दोनों एल्काइल ग्रुप होते हैं, कंफ्यूज मत होना। कार्बोनिल ग्रुप कौन होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन्स, पता चला। चलो आगे बढ़े, पता है एल्डिहाइड क्या होते हैं, शायद मैंने कल के लेक्चर में या पिछले लेक्चर में बताया भी था। चलो देखो अब होगा क्या, होता क्या है, ये वाला बॉन्ड जो है ये शिफ्ट हो जाता है यहां पर, दोनों में अल्फा कार्बन है तो दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, यानी दोनों के पास एसिडिक हाइड्रोजन है। अगर दोनों के पास एसिडिक हाइड्रोजन है तो किसी भी एक कार्बन से एसिडिक हाइड्रोजन हटेगा, ये बॉन्ड यहां आएगा, एसिडिक हाइड्रोजन हटके कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास, कहाँ जाएगा बेटा, ऑक्सीजन के पास। और देखो स्ट्रक्चर कैसा बना, स्ट्रक्चर बना सी एच टू क्योंकि इसका हाइड्रोजन चला गया। अच्छा ये बॉन्ड यहाँ आया तो डबल बॉन्ड ओ कार्बन, इसके पास आया ओ एच हाइड्रोजन आ गया और ये आ गया सी एच थ्री। इसको बोलते हैं इन ऑल फॉर्म। नॉर्मली ज्यादा स्टेबल कौन सी फॉर्म होती है, कीटो फॉर्म। तो कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल और ये लेस स्टेबल,
बोलो ये बात पता चल रही है बेटा, शाबाश। लेकिन होता क्या है, जब भी कभी टॉटोमेरिज्म होगा, ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, टॉटोमेरिज्म। ये जो फिनोमिना है इसको क्या बोला, टॉटोमेरिज्म। और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के टॉटोमर्स है। क्या है, दोनों एक दूसरे के टॉटोमर्स है। बोलो समझ आ रहा है, तो टॉटोमर्स समझ आ गया। अब होता क्या है, इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम चलता रहता है, यानी आगे भी बन रहा है पीछे भी बन रहा है, और जो इक्विलिब्रियम कंटिन्यू चलता है उसको बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम रुक गया तो उसका नाम स्टैटिक होता है, लेकिन अगर चल रहा है तो डायनेमिक होगा उसका नाम। बोलो पता चला। चलो तो देखो यहाँ पे एक पॉइंट और जो आपसे नॉर्मली पूछा जा सकता है कॉम्पिटिशन में, कि टॉटोमर्स आर, टॉटोमर्स या टॉटोमेरिज्म इज नॉट अ ट्रू, मैंने कल बताया था ना, ट्रू आइसोमेरिज्म। ट्रू आइसोमेरिज्म नहीं होता टॉटोमेरिज्म, बिकॉज बिकॉज ऑफ डायनामिक डायनामिक इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या चल रहा है, देखो एक मॉलिक्यूल ये रहा, एक ये रहा, तो दोनों के बीच में क्या चल रहा है, डायनामिक इक्विलिब्रियम चल रहा है। बोलो पता चला। तो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है कि टॉटोमर्स, व्हाई टॉटोमर्स आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रू आइसोमर्स, तो आप क्या बोलोगे, ड्यू टू डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन टॉटोमर्स, मॉलिक्यूल की जगह टॉटोमर्स लिख लो और अच्छा लगेगा, टॉटोमर्स। देखो और ज्यादा क्लियर हो गया, पता चला। अब ये जो हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है, क्या ये बात सबको पता चल गई। एक क्वेश्चन दूं, करोगे? चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। मेरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर एसिडिक हाइड्रोजन, है ना, मेरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सोच समझ के करना। आपका ऑप्शन है फर्स्ट टू हेक्सेनॉन। सबसे पहले तो भैया इनके स्ट्रक्चर बना लेना, अगर स्ट्रक्चर नहीं बनाए तो ये सॉल्व ही नहीं होंगे। 2,3-hexanedione, 2,3-hexanedione, ठीक है। थर्ड आपका 2,4-hexanedione, 2,4-hexanedione, ऑन मतलब कीटोन। और फोर्थ वन इज 2,5-hexanedione, 2,5-hexanedione। तो मैं एक बार इनके स्ट्रक्चर आपको बता दूं ताकि आपको डिसाइड करने में हेल्प मिल जाए। देखो स्ट्रक्चर देखो बेटा, समझो। सबसे पहले बोला है 2-hexanedione, हेक्स मतलब कितने कार्बन, 6 कार्बन। तो फर्स्ट तो हमारा 6 कार्बन, 1, 2 यानी CH3। अच्छा 2-hexanedione का मतलब ओन, ओन मतलब कीटोन, दैट मींस डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन कौन से कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे। देन CH2 और CH3, 4, 5, 6 हो गए, है ना। सेकंड देखो बेटे, 2,3-hexanedione यानी सेकंड और थर्ड दोनों कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है। तो सेकंड इज CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH2 और CH3। बोलो पता चला। थर्ड वन देखो, 2,4-hexanedione, 2,4 यानी 2 और 4 का मतलब क्या है, सेकंड और फोर्थ कार्बन पर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है। बोलो पता चल रहा है बच्चों। नेक्स्ट देखो, 2,5-hexanedione यानी सेकंड पर और फिफ्थ कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है। देखो ऐसे ही होगा क्या, बोलो सही है। अब आपको मुझे बताना है इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन किसके पास है। तो आपके पास 2 मिनट है, लगाओ दिमाग, फिर मैं बताऊंगा, करो जरा। चलो तो देखें क्या बोल रहे हो, कौन सा है, फोर्थ। चलो देखते हैं, सबकी इनॉल फॉर्म बना के देखते हैं, क्या ये इनॉल बनाएगा। अच्छा देखो एक चीज सुनो, सबसे पहले जितने ज्यादा कार्बोनिल ग्रुप होगा उतना ज्यादा टॉटोमेरिज्म होगा और उतना ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा। तो भैया इसमें तो एक ही कार्बोनिल ग्रुप है, लेकिन इन तीनों में 2-2 है, तो ये तो सबसे कम होगा,
ये पहचानने का तरीका है, पहचानने का तरीका है, जितने ज्यादा कार्बोनिल ग्रुप उतना ज्यादा टॉटोमेरिज्म, पता चला? शाबाश। सेकंड में देखो, अगर सेकंड में टॉटोमेरिज्म होगा तो ये बॉन्ड क्या होगा, ये बॉन्ड यहां पे आ जाएगा, ये बॉन्ड यहां पे आ जाएगा, और यहां का हाइड्रोजन तो हट नहीं सकता, तो इसका मतलब ये बॉन्ड कहां पे आया, ये बॉन्ड आया यहां पे, और इसका हाइड्रोजन हटके कहां जाएगा, यहां देखो इनोल फॉर्म बनी, और यहां से एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, हट जाएगा। बोलो समझ आ रहा है? यहां पे क्या होगा, अरे भाई यहां पे डबल बॉन्ड आ सकता है, अगर ये बॉन्ड यहां आ गया और इसका एक हाइड्रोजन कहां चला गया, यहां चला गया, बोलो दिख रहा है? और यहां पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड बन गया, बोलो दिख रहा है? अच्छा यहां पे भी कोई सा भी पकड़ लो जो मन करे, ऐसा नहीं कि सर आपने एक ही पकड़ा, आप इसको भी ले सकते हो, इसको किसी को भी, किसी भी एक के रिस्पेक्ट में बताना है। यहां पे देखो ये बॉन्ड यहां आ गया, तो इसका हाइड्रोजन जो है वो कहां चला गया, यहां, और यहां हो गया डबल बॉन्ड, और यहां पे एक बॉन्ड क्या हो गया, हट गया। बोलो पता चल रहा है? अब मुझे ध्यान से देख के बताओ कि एसिडिक हाइड्रोजन किसमें सबसे ज्यादा है, जो ज्यादा स्टेबल है, ऑब्वियस है, जो एसिडिक हाइड्रोजन को देख करके स्टेबल हो जाए वो क्या चाहेगा कि भैया मैं हाइड्रोजन अपना दे दूं, जो हाइड्रोजन देख करके स्टेबल हो जाए वो अपना हाइड्रोजन दे देगा। जरा ध्यान से देखो और बताओ कौन ज्यादा स्टेबल, ध्यान से देखो, सोचो, बोलो, बताओ बताओ, मैं बताऊं? देखो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, क्या रेजोनेंस हो रहा है, यानी रेजोनेंस ने पीछा नहीं छोड़ा, वो यहां पे भी आ गया है, और अब रेजोनेंस तुमसे चिपक गया है भूत की तरह, और तुम्हारी पीठ पे बैठा रहेगा बेताल बन के, अब वो हर जगह आएगा, तो उसको हर जगह यूज करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हो रहा है रेजोनेंस, यहां पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस होने की वजह से ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ये क्या बोलेगा, चल भैया जल्दी हट जा, जल्दी से मेरा एक अल्फा हाइड्रोजन हट जाए, है ना, यानी एसिडिक हाइड्रोजन। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड। बोलो समझ आया, कोई डाउट, पक्का नहीं है? चलो करो जरा नोट। चलो देखो आगे बढ़ रहे, और बेटा कुछ चीजें और पढ़ते हैं जरा, अभी तो हमने बस स्टार्ट किया है, अभी तो हम कंडीशंस ऑफ टॉटोमेरिज्म देख रहे हैं कि टॉटोमेरिज्म किस किस में होता है। तो देखो टॉटोमेरिज्म आप लोग दो तरह के कंपाउंड से पढ़ते हो, एक तो पढ़ते हो कार्बोनिल कंपाउंड में, और दूसरा पढ़ते हो आप लोग नाइट्रो कंपाउंड्स में, है ना, यानी कार्बोनिल कंपाउंड और नाइट्रो एल्केन, इन दो में आप क्या पढ़ते हो, टॉटोमेरिज्म। अच्छा देखो एक चीज समझो, नोट डाल रहा हूं, टॉटोमेरिज्म अभी अभी आपने कराया, एक एग्जाम्पल के थ्रू ले लेते हैं। मैंने बोला CH3 C डबल बॉन्ड O और CH2 और H, ऐसे ले लेते हैं। तो हुआ क्या था, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया था, और ये हाइड्रोजन कहां चला गया था, ऑक्सीजन के पास, और देखो स्ट्रक्चर कैसा बना था, CH3 COH डबल बॉन्ड CH2, इसको कौन सी फॉर्म बोलते हैं, कीटो फॉर्म, और इसको इनॉल फॉर्म। जरा बताओ क्या ये फंक्शनल ग्रुप भी चेंज हो रहे हैं क्या, देखो यहां पे तो कीटो ग्रुप है, लेकिन यहां पे इन और ऑल अल्कोहल ग्रुप आ गया, दैट मींस टॉटोमेरिज्म क्या है, एक तरह का फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। तो याद रखना टॉटोमेरिज्म इज अ टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, बट प्रायोरिटी गिवन टू टॉटोमेरिज्म, ठीक है? तो हम क्या लिख सकते हैं, टॉटोमेरिज्म इज अ टाइप ऑफ, टॉटोमेरिज्म इज अ टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है ना, बट प्रायोरिटी ऑलवेज गिवन टू टॉटोमेरिज्म, यानी कभी भी आपको टॉटोमर्स दे दिए तो वहां पे फंक्शनल ग्रुप टिक करके मत आना, क्या टिक करके आओगे, टॉटोमेरिज्म टिक करके आओगे, है ना। अब यहीं पे हम बात कर रहे हैं कंडीशंस ऑफ टॉटोमेरिज्म, इसकी बात कर रहे हैं कंडीशंस ऑफ टॉटोमेरिज्म, हमारा टॉपिक है कंडीशंस ऑफ टॉटोमेरिज्म। तो दो तरह के कंपाउंड शो करते हैं, पहला किसकी बात कर रहे हैं, फॉर कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा,
कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। अगर कार्बोनिल कंपाउंड के पास एटलीस्ट एक एसिडिक हाइड्रोजन है तो वो टॉटोमेरिज्म शो करेगा, यानी कीटो इनोल फॉर्म शो करेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख देते हैं एटलीस्ट वन एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग, ऐसे लिखे एटलीस्ट, यहां लिखते हैं एटलीस्ट वन एसिडिक या फिर अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड शोज कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, है ना। कार्बोनिल कंपाउंड में कौन सा होता है, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, है ना। बोलो समझ आया बच्चों, पता चला। चलो कैसे देखते हैं, हम कुछ कंडीशंस देख रहे हैं, यानी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, आप मुझे बताना कि उनमें एसिडिक हाइड्रोजन है कि नहीं, है तो कितने, और क्या वो टॉटोमेरिज्म शो करेंगे या नहीं करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कंपाउंड्स, यहाँ लिख रहे हैं अल्फा या एसिडिक हाइड्रोजन, और यहाँ लिख रहे हैं टॉटोमेरिज्म, कि टॉटोमेरिज्म शो होगा कि नहीं होगा, है ना। एक एक करके मैं कंपाउंड बनाता जाता हूँ, आप लोग बताते जाना, ठीक है। सबसे पहला कंपाउंड है बेटा आपका CH3, C डबल बॉन्ड हो CH3। सेकेंड कंपाउंड है CH3, CH2, C डबल बॉन्ड हो H। थर्ड कंपाउंड है बेटा आपका CH3, C डबल बॉन्ड हो CH2 और CH3। फोर्थ कंपाउंड है, आप समझ जाना ना इधर कंपाउंड है ना। फोर्थ कंपाउंड है आपका H, C डबल बॉन्ड O और H। फिफ्थ कंपाउंड है बेटा आपका CH3 का होल ट्वाइस CH और C डबल बॉन्ड O और H। सिक्स्थ कंपाउंड है बेटा आपका PH, C डबल बॉन्ड O, CH3, है ना, सिक्स्थ कंपाउंड। और सेवेंथ कंपाउंड है बेटा आपका PH, C डबल बॉन्ड O, H। एट्थ कंपाउंड क्या है आपका PH, C डबल बॉन्ड O, PH। नाइन्थ कंपाउंड है बेटा अपना, ये रहा, ध्यान से देखना है ना। टेंथ कंपाउंड है बच्चों अपना डबल बॉन्ड O, और यहाँ दोनों जगह बॉन्ड्स, है ना। तो इतना बहुत है, इतना काफी है। चलो चेक करें, जरा मुझे बताओ क्या फर्स्ट वाले में कितने अल्फा कार्बन है, दो, और अल्फा कार्बन के पास ही हमेशा क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन। अगर अल्फा कार्बन नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं। बोलो दो अल्फा कार्बन, दोनों के पास कितने कितने हाइड्रोजन, तीन तीन, है ना, यानी टोटल कितने हो गए, छह। बोलो टॉटोमेरिज्म शो करेगा, शो करेगा, एकदम करेक्ट। सेकंड पे आ जाओ, देखो अल्फा कार्बन कौन सा है, ये वाला, तो इसी का अल्फा हाइड्रोजन काउंट करोगे तो बोलो कितने अल्फा हाइड्रोजन, दो। अल्फा हाइड्रोजन दो, बोलो टॉटोमेरिज्म शो करेगा। हमने क्या बोला, एटलीस्ट एक होना चाहिए, यानी कम से कम एक होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा तो कितने भी हो जाए, तो ये भी टॉटोमेरिज्म शो करेगा। थर्ड बोलो, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी, तीन और दो पांच, अल्फा हाइड्रोजन पांच, टॉटोमेरिज्म शो करेगा, बोलो हाँ या ना। चलो बोलो नेक्स्ट, बोलो नहीं करेगा, नेक्स्ट में शो नहीं करेगा। तो देखो अल्फा हाइड्रोजन कितने, एक भी नहीं, क्यों नहीं है एक भी, क्या ये दोनों अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नहीं है, क्यों, क्योंकि अल्फा कार्बन नहीं है, और अब अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन जीरो हो गए और टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। चलो ये वाला बताओ, ये अल्फा कार्बन है और इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा है, इससे तो कार्बन जुड़े हुए हैं ना, तो इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो अल्फा हाइड्रोजन एक और टॉटोमेरिज्म शो करेगा, यहां बोलो। अच्छा पीएच का मतलब क्या होता है, हाँ बेंजीन रिंग, इस तरह से। तो स्ट्रक्चर कैसे है, सी डबल बॉन्ड ओ और CH3, ऐसी स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ पे ये अल्फा कार्बन, अच्छा ये कार्बन भी अल्फा कार्बन, तो तीन तो इसके पास हो गए, इसके पास बोलो कितने हाइड्रोजन है, कितने, जीरो, क्यों, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, चार। देखो कार्बन ने पहले से एक दो तीन चार बॉन्ड बनाए, जब चार बनाए तो हाइड्रोजन की तो जगह है ही नहीं, यानी अल्फा कार्बन कितने हो गए, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ कितने हुए, सिर्फ तीन, है ना, क्योंकि इसके तो क्या हो गए बेटा, जीरो, और ये भी क्या कर रहा है, टॉटोमेरिज्म शो कर रहा है। नेक्स्ट सेवेंथ,
यहां तो है ही नहीं, यहां पे भी नहीं है, यानी जीरो, यानी शो नहीं करेगा। ये वाला बोलो, हाँ जीरो अल्फा हाइड्रोजन और नहीं शो करेगा। यहां बोलो, देखो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, चार बॉन्ड। अभी कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, दो। कितने और बचे, दो। तो भाई ये रहा अल्फा कार्बन, ये रहा अल्फा कार्बन, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन, दो और दो कितने हो गए, चार। दैट मींस अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, चार। ये टोटल शो करेगा। यहाँ काउंट करो, यहाँ पे कितने बॉन्ड है, एक दो और तीन, तीन बॉन्ड है, तो एक हाइड्रोजन। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन। तो बोलो अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए, चार। तो बोलो टोटल वैलेंस शो करेगा कि नहीं, नहीं करेगा, नहीं करेगा, हाँ नहीं करेगा, स्टेबल नहीं। जब भी sp या sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो उसके हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन काउंट करते हैं, लेकिन वो टोटल वैलेंस में नहीं करता है। क्यों नहीं करता, अगर ये बॉन्ड यहाँ चला गया तो डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, और दो डबल बॉन्ड, यानी स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा। अगर वो वहां चला गया बॉन्ड, तो यहाँ पे तो OH आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ चला गया, एक बॉन्ड यहाँ था, एक यहाँ। ये तो क्यूमुलेटेड एल्कीन बन गई, याद है हाइपर कंजुगेशन पढ़ाया था, क्यूमुलेटेड एल्कीन तो सबसे ज्यादा हाईली अनस्टेबल है, तो ये अनस्टेबल क्यों होना चाहेगा। तो इसलिए हमेशा याद रखना, कहाँ लिखूं, कहाँ लिखूं, यही लिख दूं क्या, है ना, एसिडिक हाइड्रोजन ऑफ sp एंड sp2 कार्बन, हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, नॉट पार्टिसिपेट इन टॉटोमेरिज्म, इन टॉटोमेरिज्म। बोलो याद रहेगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बोलो याद रखोगे, बोलो क्लियर, कोई डाउट, पक्का नहीं है, अब लेक्चर से कर लोगे तो मिटा दूं इसको। चलो एक क्वेश्चन दूं, एक क्वेश्चन दे दूं, हाँ। टेंथ, देखो टेंथ में कहाँ हो रहा है रेजोनेंस, डबल सिंगल डबल, अब रेजोनेंस हो रहा है तो ये हाइड्रोजन वैसे हट के, अभी कीटो में तो ये स्टेबल है ही। हम तो क्या बोल रहे हैं कि कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म करेगा कि नहीं, तो कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म नहीं कर रहा, वैसे तो ये स्टेबल है क्योंकि भैया इसमें रेजोनेंस हो रहा है ना, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल रेजोनेंस हो रहा है। देखो डबल सिंगल डबल, लेकिन इनोल फॉर्म जब बन रही है तब तो हाईली अनस्टेबल हो रहा है भैया, रेजोनेंस छोड़ो, क्यूमुलेटेड एल्कीन बन गई जो हाईली अनस्टेबल है, समझ पाए। अब क्वेश्चन दूं, इसको कर लोगे नोट, पक्का, चलो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब तो आप लोग सीख गए हो भाई, है ना, अब मैं आपको एक चीज और बताऊंगा यहाँ पर इस क्वेश्चन के थ्रू, और उसके बाद नाइट्रो ग्रुप का टॉटोमेरिज्म बहुत छोटा सा है, और उसको करके एंड देन आज टॉटोमेरिज्म समाप्त। तो चलो मेरा क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, बेटा मैं इंक्रीजिंग ऐसे लिखता हूं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट में इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना है। प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन से जो मैं आपको कराता हूं, है ना, हमेशा याद रखना। आपका ऑप्शन नंबर ए है CH3 सी डबल बॉन्ड ओ और H, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर सेकंड इज CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH3। ऑप्शन नंबर थर्ड CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH2 सी डबल बॉन्ड ओ और H, है ना। एंड द फोर्थ वन इज CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH2 सी डबल बॉन्ड ओ और CH3। चलो अब देखो हमेशा याद रखना, इनॉल कंटेंट जो होगा ना वो डिपेंड करेगा सबसे पहले किसके ऊपर, अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा इनॉल कंटेंट, दैट मींस क्या बोल दूं, इनॉल कंटेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, पहली बात पता चली। अच्छा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन को हम प्रेफरेंस सेकंड रखते हैं, पहले क्या रखते हैं उसको बताता हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, जितने ज्यादा कार्बोनिल ग्रुप होंगे ना उतना ज्यादा इनॉल कंटेंट होगा, पता चला। अगर कार्बोनिल ग्रुप सेम है तब किस पे जाओगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे। तो सबसे पहले किस पे जाना है,
नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, उसके ऊपर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। चलो देखो पहले वाले में कितने कितने कार्बोनिल ग्रुप है, एक एक कार्बोनिल ग्रुप है। थर्ड और फोर्थ वाले में कितने कितने हैं, दो दो, तो थर्ड और फोर्थ में बराबर है, तो भाई सबसे ज्यादा तो ये दोनों होने चाहिए। अब इनमें ज्यादा कौन, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, देखो अल्फा 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 और अल्फा, बोलो अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए, कितने हुए, पांच हो गए ना, और यहां पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए बेटा, तीन तीन छह और दो आठ, तो इन दोनों में तो कौन ज्यादा स्टेबल है, फोर्थ सबसे ज्यादा स्टेबल है। अच्छा उससे कम कौन हो गया, थर्ड। अब इन दोनों में एक एक कार्बोनिल कंपाउंड है, तो अब क्या चेक करोगे फिर, अल्फा हाइड्रोजन, बोलो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तीन, क्योंकि अल्फा कार्बन है, यहाँ पे ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए बेटा, छह, तो बोलो अब क्या होगा, टू एंड देन वन, बोलो कर पाओगे, है आसान, पक्का, शाबाश। तो ये होता है आपका कीटोइनोल फॉर्म, है ना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सेकंड फॉर नाइट्रो एल्कीन, है ना, इसको मिटा देता हूं, सेकंड हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, फॉर नाइट्रो एल्कीन। देखो नॉर्मली आपको टॉटोमेरिज्म में कीटोइनोल फॉर्म ही पूछी जाती है, लेकिन अगर किस्मत खराब है तो नाइट्रो और एसी फॉर्म भी पूछ लेगा एग्जामिनर, है ना। तो फॉर नाइट्रो ऐसे लिखते हैं, सेकंड पहला देखा कार्बोनिल कंपाउंड, सेकंड फॉर नाइट्रो एल्केन, फॉर नाइट्रो एल्केन। अब इफ नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन कंटेन्स, सेम वही बात, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, देन इट शोज नाइट्रो एसी टोटोमेरिज्म। बोलो पता चला। अब नाइट्रो में अल्फा हाइड्रोजन चेक करते हैं, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने बोला CH3NO2, दिस इज नाइट्रो एल्केन, क्या ये नाइट्रो एल्केन, बोलो पता चल रहा है। अब ऐसी फॉर्म बनाएंगे इससे कि क्या होती है ऐसी फॉर्म, तो चलो देखो यहां बना देता हूं CH2 और यहां पर H, और यहां पे नाइट्रो ग्रुप कैसा होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से। अब नाइट्रो ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा है ना, वो कार्बन कैसा कार्बन है, वो है आपका अल्फा कार्बन, और क्या अल्फा कार्बन के पास एसिडिक हाइड्रोजन है, तो अब क्या होगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा और ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, और देखो बच्चों स्ट्रक्चर कैसा बना, CH2 डबल बॉन्ड N, और यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ऑक्सीजन, और यहां क्या आ गया OH, इसको क्या बोलते हैं एसी फॉर्म, ACI फॉर्म, ज्यादातर बच्चों ने ऐसी फॉर्म सुना ही नहीं होता है, बोलो कैसी फॉर्म, हाँ कैसी, ऐसी फॉर्म, है ना। अच्छा ऐसी फॉर्म, अच्छा ये वाली कौन सी फॉर्म थी, नाइट्रो फॉर्म। तो देखो ऐसी फॉर्म जो होती है ना वो एसिडिक, ऐसी है तो एसिडिक होगी, ऐसी है तो एसिडिक है ना, तो एसिडिक इन नेचर होती है एंड सोलेबल, यहां से क्वेश्चन आता है, सोलेबल इन NaOH, क्योंकि NaOH क्या है, बेस है, तो एसिड में कौन सोलेबल होता है, बेस सोलेबल होता है। एक क्वेश्चन दूं, इसको मिटा दे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसोलेबल इन NaOH, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसोलेबल इन NaOH, NaOH में कौन सोलेबल नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है CH3CH2NO2, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है PHCH2NO2, आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है बेटा CH3 का होल ट्वाइस CHNO2, एंड द ऑप्शन नंबर फोर्थ इज CH3 का होल थ्राइस
सी एन ओ टू। बोलो इनमें से कौन इंसॉल्युबल होगा? फोर्थ। क्यों? ये फोर्थ में ऐसी फॉर्म बनी नहीं रही, और अगर ऐसी फॉर्म ही नहीं बन रही तो सॉल्युबल कैसे होगा, है ना? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर्थ। लेकिन ये कब पता होता? जब ऐसी फॉर्म के बारे में बातें पता होती, इसलिए बातें मैंने लिख दी। बोलो क्लियर है? कोई डाउट? बोलो। झपकी आनी लेनी है ना, जिंदा रहना है हमें, है ना, जगे रहना है। क्लियर है? तो बेटा ये होता है आपका टॉटोमेरिज्म समाप्त। आप नोट कर सकते हो, कल स्टार्ट करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो कर लो नोट, आज के लिए इतना ही।